इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांति मोटर्स छिंदवाड़ा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का गुरुवार को छिंदवाड़ा आगमन हुआ। वे छिंदवाड़ा आते ही सबसे पहले नगर शक्तिपीठ, बड़ी माता मंदिर, छोटी बाजार पहुंचे। यहां सर्वप्रथम माता रानी के चरणों में उन्होंने माथा टेका और अपने जिले, प्रदेश व देश के हर वर्ग के लिए प्रगति, उन्नति व सुख शांति मांगी। विधि विधान से पूजा अर्चना कर जगत जननी माँ जगदम्बे से सर्व कल्याण की प्रार्थना के साथ ही समस्त देवी देवताओं की आराधना कर मंदिर निर्माण समिति द्वारा लिए गए संकल्प को फलीभूत करने की प्रार्थना की। मंदिर निर्माण के लिए चयनित दिव्य स्थल पर उपस्थित पंडितों, पुजारी व आचार्यों द्वारा मंत्रोच्चार के साथ कमलनाथ के द्वारा पूजा अर्चना करवाई गयी। छोटी बाजार में पूजा अर्चना करने के बाद पूर्व सीएम कमलनाथ गुलाबरा स्थित आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर पहुंचे। जैन मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना कर आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज का सानिध्य प्राप्त किया। आचार्य श्री 108 प्रज्ञा सागर जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करने के उपरांत उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं से कमलनाथ ने चर्चा की। इसके बाद वे शिकारपुर के लिए रवाना हो गए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पूर्व सीएम कमलनाथ 4 दिवसीय प्रवास पर छिंदवाड़ा में रहेंगे। जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज ने कहा है कि देश को इस समय हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि राम राज्य की जरूरत है। वर्तमान में देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था से लोगों का मोह भंग हो रहा है, इसलिए व्यवस्था बदलने की मांग उठ रही है। लेकिन इसका विकल्प राम राज्य हो तो देश का और यहां रहने वाले पूरे समाज का कल्याण होगा। उन्होंने छोटी बाजार स्थित तारण भवन में पत्रकारों से चर्चा करते हुए ये बातें कहीं। श्री बड़ी माता मंदिर के पुनर्निर्माण का भूमि पूजन करने आए शंकराचार्य ने कहा है कि देश में इस समय गोलबंदी की राजनीति चल रही है। नीति धर्म के समान होती है। आज राजनीति में तुष्टिकरण हो रहा है, हिंदुओं के नाम पर गोलबंदी हो रही है, हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है। इससे यह साबित हो रहा है कि कहीं ना कहीं वर्तमान शासन प्रणाली से मोह भंग हो रहा है। हिंदू राष्ट्र के बजाय राम राज्य की कल्पना को साकार करने की जरूरत है, जिसमें सबके साथ समान न्याय कर सकेंगे। हिंदू राष्ट्र से कल्याण नहीं होगा, राम राज्य से होगा। हमारे आचार्यों ने, हमारे राजाओं ने इस आदर्श को स्थापित किया है, तो जब गोलबंदी होगी तो ये नहीं हो सकेगा। तो इसीलिए हमारा ये कहना है कि हिंदू राष्ट्र से क्या हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे जिस लक्ष्य को हमारे पूर्वजों ने प्राप्त किया था और जिसकी हम सदा से कामना करते हैं? शायद नहीं, क्योंकि गोलबंदी का जमाना है। हिंदू के नाम पे गोलबंदी हो जाएगी, जो ये कह देगा कि मैं हिंदू नहीं हूँ उसके साथ परायापन का व्यवहार हो जाएगा। इसीलिए हम ये कहते हैं कि अगर हम लोगों को एक अच्छा राज्य स्थापित करने की इच्छा जाग गई, देखिए हिंदू राष्ट्र की बात क्यों आई है, इसका मतलब है कि जो अभी राज्य है धर्मनिरपेक्ष राज्य, उससे लोगों का मोह भंग हो रहा है। एक बात ये भी समझिए। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आंख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आंखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास छिंदवाड़ा। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री एकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में, उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 डेज फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन। निधि श्री एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी, नियर ट्रेवल म्यूजियम, छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666।
छोटी बाजार क्षेत्र परिसर गुरुवार को धर्ममय रहा। यहां श्री बड़ी माता मंदिर के पुनर्निर्माण का भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के कर कमलों से यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। सुबह 11 बजे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूरा कार्यक्रम संपन्न कराया गया। इसके बाद रामलीला परिसर में उन्होंने धर्म सभा की। इसके पूर्व सुबह 6 बजे से स्नान ध्यान पूजन पाठ के साथ कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। इसके उपरांत 7 बजे से स्वामी श्री ने दीक्षा समारोह का भी आयोजन किया। प्रमुख 25 दीक्षा सेवियों ने गुरुवार से दीक्षा ली। ये जो संसार है, ये संसार नाम इसीलिए पा गया है क्योंकि ये संसरणशील है। संसरति विसंसारः, जो हर समय बदलता रहे, आगे बढ़ता रहे। माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा का परिणाम आज घोषित कर दिया गया है, जिसमें छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा निवासी मौली नेमा 489 अंकों के साथ पूरे प्रदेश में नंबर 1 आई हैं। ज्ञानदीप उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाली मौली IAS बनना चाहती हैं। वहीं अमरवाड़ा की अनन्या जैन ने प्रदेश में 474 अंक के साथ छठवां और उत्कृष्ट विद्यालय छिंदवाड़ा के छात्र अनुज माहौरे ने प्रदेश स्तर पर 480 अंक प्राप्त कर 8वां स्थान प्राप्त किया है। इसी प्रकार कक्षा 12वीं के जिले स्तर पर जारी की गई सूची में सरस्वती हायर सेकेंडरी स्कूल की खुशी बारापात्रे ने 477 अंक के साथ जिले में अव्वल स्थान प्राप्त किया है। खुशी ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और गुरुजनों को दिया है। खुशी JEE मेंस की तैयारी करने के बाद इंजीनियर बनना चाहती हैं। जिला स्तर पर दीपेश अमया जैन और प्राची वलके भी अव्वल रहे हैं, जबकि कक्षा 10वीं में जिले में चांद निवासी सोमिया बंदेवार ने जिला स्तर पर सबसे अधिक अंक लिए हैं। इसके बाद क्रमशः जुन्नारदेव की महिमा पवार, घोड़ाबाड़ी की आयशा सूर्यवंशी, अमरवाड़ा की प्रतिभा वर्मा, बोरगांव की आयुषी गोडबोले और पांडुर्ना की लीजा शेख टॉप लिस्ट में हैं। सर, मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप भी खुद पर विश्वास रखकर अगर पढ़ाई करें तो आप भी सफल हो सकते हैं। मेरे पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा और मेरे टीचर्स का। आगे चलकर मैं सिविल सर्विसेज में जाना चाहूँगी और IAS की। मेरा नाम खुशी बारा पात्रे है और मैं कक्षा 12वीं की छात्रा रही हूँ और मैं अपने सफलता का श्रेय स्कूल के सभी दीदी आचार्य को और अपने परिवार को देना चाहती हूँ। उन्होंने हर पहले में मेरा सपोर्ट किया है और हमेशा मुझे अप्रोशिएट करा है। थैंक यू। मैं आगे इंजीनियरिंग करना चाहती हूँ, JEE की प्रिपरेशन। बस मेरे पास शब्द नहीं है अभी बयां करने के लिए कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ। मैं सीए करूँगी आगे। मैं दिन भर आप पढ़ाई करो या ना करो, मैं सुबह 4 बजे उठ जाती थी। सुबह 4 बजे से लेकर के 8 या 9 बजे तक कंटिन्यूसली 4 से 5 घंटे पढ़ती थी। बीच में 5-5, 10-10 मिनट का ब्रेक रहता था, लेकिन वो ब्रेक 5 से 10 मिनट के अलावा ज़्यादा नहीं पढ़ता था। 4 बजे से उठ के सुबह 8 बजे तक जो पढ़ाई की है मैंने, उसी के बल पे आज मैं इस मुकाम पर पहुँची हूँ। और दिन भर पढ़ती थी, दिन भर रिविज़न करती थी और जो नया पढ़ना होता था वो सुबह के टाइम में पढ़ती थी, तो वो दिमाग में बैठ जाता था। मेरा नाम अनुज माहौरी है और मैं कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। मेरे 12वीं में 96% बने हैं। मैं इसका श्रेय अपने माता पिता को देता हूँ जिन्होंने मुझे इतने अच्छे स्कूल में भेजा पढ़ने के लिए। और मैं जब से इस स्कूल में आया हूँ, सारे टीचर ने मतलब कि बहुत अच्छे से हमें पढ़ाया और हर एक समय पर जो भी डाउट आए हैं वो टीचर ने क्लियर करते गए। मेरा नाम अमीर जैन है। मैं डेनियलसन इंग्लिश मीडियम स्कूल में 28 साल, मैंने 12th का एग्ज़ाम दिया MP बोर्ड से। मेरे 94.2% बने इस बार, डिस्ट्रिक्ट में 3rd रैंक आई है मेरी और PCB सब्जेक्ट था मेरा और साथ में नीट के एग्ज़ाम भी दी मैंने अभी, तो नीट का रिजल्ट आएगा तो MBBS के लिए एम कर रहा हूँ। प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल का 10वीं एवं 12वीं का रिजल्ट घोषित हुआ है। 10वीं एवं 12वीं का रिजल्ट अपेक्षाकृत जिले का अच्छा रहा है। इन ऑल ओवर यदि हम मध्य प्रदेश को देखते हैं तो उस हिसाब से दूसरा यह है कि हमारे ज़िले में सबसे गौरवान्वित करने वाली एक बात यह है कि कला समूह में कुमारी मौली नेमा, पिता श्री अनिल नेमा, ज्ञानदीप उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अमरवाड़ा ने पूरे प्रदेश में कला समूह में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिससे हमारे
जिला निश्चित ही गौरव महसूस कर रहे हैं और शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन, कलेक्टर मैडम सभी ने उनको बहुत बहुत बधाई दी है।